कहते हैं अगर कोई इंसान मजबूत इरादे से किसी काम को करे तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी परेशानी भी उस इंसान के जज्बे के आगे बौनी नजर आती है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही शख्स की जिसे वक्त ने बुरी तरह से तोड़ के रख दिया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और देश की सबसे कठिन UPSC परीक्षा पास कर IAS अधिकारी बन गए। दरअसल हम बात कर रहे हैं IAS ऑफिसर रमेश खोलप की, जो आज उन युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो सिविल सर्विसेज या फिर किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि बचपन में ही रमेश के बाएं पैर में पोलियो हो गया था और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें अपने माँ के साथ सड़क पर चूड़ियां बेचनी पड़ती थी। हालांकि रमेश कभी भी इस तरह की मुश्किलों से डरे नहीं और अपने सपनों के पीछे दौड़ते दौड़ते एक दिन IAS ऑफिसर बन गए। रमेश के परिवार में कुल 4 लोग थे। रमेश के पिता की एक छोटी सी साइकिल की दुकान थी, लेकिन उनके पिता की शराब पीने की आदत ने रमेश के पूरे परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। एक दिन ऐसे ही ज्यादा शराब पीने के कारण उनके पिता की तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इसके बाद रमेश के पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी माँ पर आ गई। माँ घर का गुजारा करने के लिए सड़कों पर चूड़ियां बेचने लगी। रमेश के बाएं पैर में पोलियो होने के बावजूद वह ऐसी हालत में अपने माँ और भाई के साथ मिलकर चूड़ियां बेचा करते थे। रमेश ने अपने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में रहकर पूरी की। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने चाचा के गांव बरसी चले गए। साल 2005 में जब रमेश कक्षा 12वीं में पहुंचे तो उनके पिता का निधन हो गया। ऐसे में रमेश का उनके घर पहुंचना बेहद जरूरी था। चाचा के गांव से रमेश को अपने घर जाने में बस से केवल 7 रुपए लगते थे, लेकिन विकलांग होने की वजह से रमेश का केवल 2 रुपए ही किराया लगता था। लेकिन वक्त की मार ऐसी थी कि रमेश के पास बस का किराया देने के लिए उस समय 2 रुपए नहीं थे। रमेश ने कक्षा 12वीं में 88.5% मार्क्स हासिल किए। इसके बाद उन्होंने घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाने के लिए शिक्षक बनने के लिए एक डिप्लोमा किया और गांव के एक विद्यालय में शिक्षक के तौर पर पढ़ाने लगे। पढ़ाने के साथ साथ रमेश ने BA की डिग्री हासिल कर ली। शिक्षक बनकर रमेश अपने परिवार का खर्चा तो चला ही रहे थे, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा था। रमेश ने UPSC की परीक्षा देने का मन बनाया। इसके लिए उन्होंने 6 महीने के लिए नौकरी छोड़ दी और पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी में जुट गए। साल 2010 में उन्होंने UPSC का पहला अटेम्प्ट दिया, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उनकी मां ने गांव वालों से कुछ पैसे उधार लेकर रमेश को पढ़ाई के लिए भेजा, जहां जाकर वो सिविल सर्विस की पढ़ाई अच्छे से कर सके। गांव से निकलने से पहले रमेश ने अपने गांव वालों के सामने कसम ली थी कि जब तक वो बड़े ऑफिसर नहीं बन जाते तब तक गांव वालों को अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। पुणे जाकर रमेश बिना कोचिंग का सहारा लिए UPSC की तैयारी में जुट गए। आखिरकार साल 2012 में रमेश की मेहनत रंग लाई। रमेश ने UPSC की परीक्षा पास कर 287वीं रैंक हासिल की और विकलांग कोटा के तहत IAS ऑफिसर बन गए।